हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल सिंपली लिविंग विद खुशी में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो, खासकर उन दोस्तों के लिए जिन्हें डायबिटीज़ है। दोस्तों, डायबिटीज़ जो है वो दिन ब दिन तेज़ी से बढ़ती जा रही है। लगभग हर घर में डायबिटीज़ की समस्या पाई जाती है। डायबिटीज़ जो है हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है, हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, जिसके वजह से दिन भर में टायर्डनेस फील होने लगती है, फीवर होने लगता है, कभी कहीं चोट लग जाए तो उसे भी ठीक होने में काफ़ी वक्त लग जाता है। डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम जैसी समस्याओं का चांसेस बढ़ा देता है। ये जो है काफ़ी गंभीर समस्या बन चुकी है, इस पर बिल्कुल भी लापरवाही ना बरते। आप अपने खान पान का अच्छे से ध्यान रखें। उसी के साथ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 5 इफेक्टिव होम रेमेडीज, जिससे आप डायबिटीज़ को नियंत्रण पर रख सकेंगे और डायबिटीज़ से छुटकारा भी पा सकेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो पे एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हिबिस्कस ट्री यानी गुड़हल का पेड़ लगभग हर घर में पाए जाते हैं। तो आप गुड़हल के 8-10 पत्ते को लेकर अच्छे से पीसकर एक पेस्ट बना लें। इस पेस्ट का 3 से 4 चम्मच लेकर आप एक ग्लास पानी में मिलाकर रात भर रख दें और सुबह उठकर खाली पेट इसका सेवन करें। 15 दिन में ही आपको काफ़ी फल नज़र आने लगेगा। दोस्तों, जामुन जो होता है वो डायबिटीज़ कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फाइबर भी पाए जाते हैं। तो इस उपाय के लिए आपको जो है जामुन के बीज को सुखाकर उसका एक पाउडर बनाना है और बेलपत्र को सुखाकर उसका भी एक पाउडर बनाना है। तो आप 100 ग्राम जामुन के बीज के पाउडर के साथ 150 ग्राम बेलपत्र का पाउडर, 50 ग्राम तेजपत्ते का पाउडर और 50 ग्राम मेथी दाना का पाउडर अच्छे से मिला के एक पाउडर बनाना है। सुबह ब्रेकफास्ट से 1 घंटा पहले हल्के गुनगुने पानी के साथ आपको इस पाउडर का 1 चम्मच लेना है। ये काफ़ी ज़्यादा असरदार होता है। दोस्तों, डायबिटीज़ को कम करने में करेले का कोई जवाब ही नहीं, इसीलिए इसको प्लांट इंसुलिन भी कहा जाता है। तो इस उपाय के लिए आपको जो है करेले के बीज का पाउडर बनाना है। तो करेले के बीज के इस पाउडर के 1 चम्मच के साथ आपको 1 चम्मच मेथी दाने का पाउडर, 1/2 चम्मच नीम का पाउडर और 2 चम्मच आंवले के पाउडर को मिला के अच्छे से इसका एक पाउडर बना लेना है। तो सुबह उठकर आपको इसको खाली पेट 1 चम्मच सेवन करना है। ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा कड़वा भी होता है। दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको कोई भी सामान खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए आपको 1 से 2 केजी करेले का पेस्ट अच्छे से बनाना है। इस पेस्ट को एक बड़े से प्लेट में अच्छे से फैला के आपको उसमें अपने दोनों पैरों को रखना है। इस उपाय को हफ्ते में 2 से 3 बार करें, ये भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहता है शुगर को कंट्रोल करने में। दोस्तों, डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए आपको अपने लाइफस्टाइल यानी जीवन शैली पे भी अच्छे से ध्यान देना है। आपको अपना ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर जो है वो टाइम पे लेना है। आपको रोज़ाना 7 से 8 घंटे नींद अच्छे से पूरी करनी है और इसी के साथ थोड़ी सी एक्सरसाइज, प्राणायाम या फिर थोड़ी सी वॉक ले और जंक फूड का सेवन कम से कम करें। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपके काम आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो पे एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन आता है उसको ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि मेरी आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।